प्रश्न कर रहे हैं कि ब्रह्म मुहूर्त को इतना उपयोगी क्यों कहा गया है। ब्रह्म मुहूर्त, वैसे तो हम देखते हैं जब भी कोई अच्छा कार्य करना हो, शुभ कार्य करना हो, शादी विवाह हो, नामकरण हो, कोई गृह प्रवेश करना हो, कोई भी जो हमें लगता है कि मंगल कार्य है उसके लिए हम एक ज्योतिष के अनुसार एक शुभ मुहूर्त ढूंढते हैं, देखते हैं और पता करते हैं कि कौन सा मुहूर्त इस कार्य के लिए उपयोगी होगा और फिर हम उस मुहूर्त में वो कार्य करते हैं। अब व्यक्ति ये भी कह सकता है कि वो तो सारे काल परमात्मा के हैं, तो हम किसी भी काल में कोई भी काम कर सके, सब शुभ मुहूर्त ही है। बिल्कुल, लेकिन जो धरती है वो पूरी तरह से ब्रह्मांड के साथ जुड़ी हुई है। नक्षत्रों का, चांद, तारे, सूरज का सीधे तौर पर धरती पर संबंध होता है, आपस में सब जुड़ा पड़ा है, अलग यहां पर कुछ भी नहीं है। मुहूर्त का मतलब होता है कि उस ब्रह्मांड का धरती के ऊपर सबसे अच्छा जो जो वाइब्रेशंस है, जो कनेक्शन है, जो एनर्जी फ्लो है, वो किस समय बेहतर हो रही है। इसलिए हम अनेक प्रकार के मुहूर्त निकालते हैं। वैसे 24 घंटे में 30 मुहूर्त होते हैं कुल मिलाकर। एक मुहूर्त 48 मिनट का होता है। 48 मिनट मतलब दो घड़ी। एक घड़ी 24 मिनट की होती है, तो दो घड़ी हो गई 48 मिनट की, तो दो घड़ी मिलकर एक मुहूर्त बनाता है। और ये मुहूर्त दिन भर 48 मिनट के बाद बदलते रहते हैं। 24 घंटे लगातार इस तरह से 30 मुहूर्त कुल मिलाकर आ जाते हैं। अभी जो 30 मुहूर्त है, इन सब में सबसे महत्वपूर्ण जो मुहूर्त है, जो ताज है, जिसको सिरमौर कहा जाए, जिसको दूध का मक्खन और मक्खन से घी, जिसको घी कहा जाए, जो सार है, उसे कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त जो सूर्य उदय होने से पहले होता है। रात्रि में चार काल होते हैं महत्वपूर्ण, जैसे रात को 9 बजे से लेकर 12 बजे तक, या यूं कहें कि सबसे पहले 6 बजे से लेकर 9 बजे तक जो सबसे पहला काल है रात्रि का, वो होता है रुद्र काल। 6 से 9 उस समय सोना नहीं चाहिए। फिर दूसरा काल शुरू होता है, उसको राक्षस काल कहते हैं ज्योतिष के अनुसार। वो 9 बजे से 12 बजे के मध्य होता है, उस समय जागना नहीं चाहिए। वो समय जो है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण काल होता है नींद में प्रवेश करने का और नींद को गहराई तक पहुंचाने का। तो इस काल में यदि 9 से 12 के समय हम आप जागे हुए हैं, तो इसका मतलब सुबह को फिर आप जल्दी नहीं उठ पाएंगे या नींद आपकी पूरी नहीं हो पाएगी। उसके बाद 12 से जो 3 बजे का जो उससे अगला काल आता है, उसका नाम है गंधर्व काल, जो बहुत ही महत्वपूर्ण काल होता है सुषुप्ति अवस्था के लिए, नींद की गहराई के लिए। और 3 बजे से 6 बजे तक चौथा जो काल है उसको मनोहर काल कहा जाता है, और इसी ही मनोहर काल में आता है ब्रह्म मुहूर्त, जब सूर्य उदय हो। क्योंकि सूर्य उदय अलग अलग समय पर मौसम के हिसाब से उसका काल बदलता रहता है। आप यदि पंचांग में देखें तो सूर्य उदय का उस समय समय दिया होगा। तो सूर्य उदय जब हो रहा है उससे 48 मिनट पहले जो है वो विष्णु मुहूर्त कहलाता है, और उस 48 मिनट से पहले जो 48 मिनट है वो कहलाता है ब्रह्म मुहूर्त। अर्थात सूर्य उगने से 48 मिनट पहले तक वो खत्म हो जाता है, या यूं कहें कि सूर्य उदय के 96 मिनट से शुरू होता है ब्रह्म मुहूर्त और 48 मिनट पहले खत्म हो जाता है। ये ब्रह्म मुहूर्त बहुत ही उपयोगी है हर दृष्टिकोण से। ये जो काल है, ये काल, इस काल में यदि हम प्रकृति में देखें,
तो प्रकृति पूरी तरह से शांत होती है, हलचल नहीं होती, शोरगुल नहीं होता, ध्वनि प्रदूषण नहीं होता, काफी हद तक एकदम शांत। और यदि कोई आवाजें हैं भी तो वह आवाजें चिड़ियों की चहचहाट है, वो प्रकृति की एक मधुर ध्वनि उस समय आपको अनुभव होगी जो मन को गहरे स्तर तक शांत कर रही होगी। इस काल में चूंकि दिन भर जो लोग हैं सब विचारों में होते हैं, ख्यालों में होते हैं, और जो भी विचार हैं वो सब हम, जो भी शब्द हैं जो हम बोल रहे हैं वो सब सारे शब्द ब्रह्मांड में और वातावरण में फैल रहे हैं, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में सब सोए होते हैं, प्रकृति शांत होती है, प्रदूषण होता नहीं है, वायु प्रदूषण नहीं है, ध्वनि प्रदूषण नहीं है, कोई लोगों के नकारात्मकता चूंकि सब सोए हुए हैं नहीं है, तो प्रकृति में शुद्धता बनी रहती है, प्रकृति हल्की हो जाती है, प्राण तत्व उस समय प्रचुर मात्रा में होता है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है, और नक्षत्रों का सीधा संबंध, या यूं कहें कि जो वायुमंडल है वो इतना शुद्ध हो जाता है कि सीधा संबंध हमारा और हमारे से उसका, पूरे ब्रह्मांड का जो कनेक्टिविटी है वो बहुत ही पावरफुल हो जाती है। आपने भी देखा होगा इंटरनेट कनेक्शन यदि दिन में आपको लगता है कि पुअर है तो सुबह के समय आपको बहुत ही ज्यादा उसकी जो कनेक्टिविटी है बहुत अच्छी मिलेगी। ऐसे तो करते हैं हम, कहीं आपको कहीं जाना हो सुबह, कहीं यात्रा लंबी करनी हो तो आप सुबह जल्दी निकलोगे कि अरे भैया उस समय ट्रैफिक नहीं मिलेगा, दिन भर तो चिल्ली पो है, बहुत ट्रैफिक है, उसमें फंस जाएंगे, सुबह जल्दी निकल जाओ। मतलब सुबह का समय प्रकृति शांत है, तो यदि ब्रह्म मुहूर्त में हम अपने आप को तैयार कर ले, अर्थात ब्रह्म मुहूर्त से थोड़ा पहले उठकर शौच आदि से निवृत्त हो जाए, अपने शरीर के मलों को बाहर निकाल दे, और वैसे देखा जाए तो प्रकृति उस समय, जो शरीर की प्रकृति है उस समय सहायक हो जाती है पेट की सफाई के लिए, क्योंकि जो रात को 2 बजे से 6 बजे तक का जो काल है उस समय वात जो है शरीर का बढ़ा होता है, वायु बढ़ी होती है, और जब वात बढ़ता है तो वात के बढ़ने से हमारे शरीर का मल और मूत्र का निष्कासन बहुत ही सुगमता से, सरलता से हो सकता है। तो यदि आप सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो आप देखना कि आपका पेट खुलकर साफ होगा। जो देर से उठते हैं, 6 बजे के बाद मल और मूत्र निष्कासन के लिए जाते हैं, उनको कब्ज की शिकायत रहेगी, अपच की शिकायत रहेगी, अजीर्ण रहेगा, कोई ना कोई पाचन तंत्र की गड़बड़ी हमेशा परेशान ही करती रहेगी, क्योंकि वो समय नहीं था मल त्याग का, क्योंकि शरीर का जो सिस्टम है वो सहयोगी नहीं हो रहा है मल त्याग के लिए, वो जो प्राण है जो प्रेशर डाल रहा है, जो अपान वायु है वो सक्रिय नहीं है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त और उससे पहले वो अपान वायु सक्रिय हो जाती है और मल मूत्र के निष्कासन में सहायता प्रदान करती है। इसलिए जो लोग जल्दी उठते हैं उनको पेट संबंधी रोग नहीं होते, तो ये भी फायदा हो गया कि हमारा पेट, जिनको कब्ज की शिकायत रहती है वो थोड़ा जल्दी सुबह उठकर देखें, उनकी कब्ज की शिकायत दूर हो जाएगी। तो सुबह शौच आदि से निवृत्त होकर आप इस ब्रह्म मुहूर्त को सदुपयोग करें। इसमें हम और काम करके भी इस टाइम को खराब कर सकते हैं। महत्वपूर्ण काल है तो महत्वपूर्ण कार्य ही करना चाहिए, और जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य दिन भर के 24 घंटे के सबसे महत्वपूर्ण मुहूर्त में होना चाहिए। तो क्या है जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य? यदि सबसे महत्वपूर्ण कार्य हम जीवन का देखें तो वो है भीतर की शांति, भीतर का आराम, भीतर की सहजता, अपने स्वरूप का अनुभव, जुड़ जाना अपने से। तो ये काल हो जाता है ध्यान के लिए, प्रार्थना के लिए, पूजा के लिए, मंत्र जाप के लिए, स्वाध्याय के लिए, जुड़ जाने के लिए, क्योंकि ये काल अमृत वेला है, अमृत बरस रहा है, प्रकृति की पूरी कृपा इस काल में बरस रही होती है, प्रकृति प्रचुर मात्रा में इस समय प्राण तत्व
से भरी होती है, या यू कहें कि जो भी धरती के ऊपर प्राण तत्व है वो प्रचुर मात्रा में होकर हमारे पांचों प्राणों को सक्रिय कर देता है, उनके स्वास्थ्य में वृद्धि करने लगता है और हमारी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी करने में सहायक हो जाता है। प्रकृति सहायक हो रही, क्योंकि प्रकृति में हलचल नहीं है। आप बैठे हैं ध्यान के लिए ब्रह्म मुहूर्त में, आप पाएंगे आपका ध्यान शीघ्रता से लग रहा है। आप यदि सुबह के समय भजन और मंत्र उच्चारण करें तो आपकी जो लीनता है तल्लीनता है वो ज्यादा प्रभावी तरीके से होने लगेगी। आपको ज्यादा ब्रह्म मुहूर्त में जो जो गायन में भी जो राग है, जो सुबह के प्रातःकाल के राग है, वो बहुत ही मन को सूदिंग करने लगते हैं, एकदम रिलैक्स करते चले जाते हैं, क्योंकि प्रकृति सहायक हो गई है। प्राण तत्व के प्रचुर मात्रा में होने पर हमारे शरीर में शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य की वृद्धि ब्रह्म मुहूर्त के समय होने लगती है। यदि हम शरीर के दृष्टिकोण से देखें, क्योंकि प्राण तत्व उस समय प्रचुर मात्रा में है और पेट खुलकर साफ हो रहा है, और उस समय आप यदि योग के अभ्यास करें, प्रैक्टिसेस करें, तो वो उसकी जो कनेक्टिविटी है, क्योंकि शरीर भी इस ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है, अलग तो है नहीं, सांसें लगातार प्रकृति से आ रही है, प्रकृति से ही बना है, पांच तत्वों से शरीर बना है, और उस समय पांच तत्व सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में शुद्धतम स्तर पर होते हैं। ऊर्जा जिससे शरीर चल रहा है उस समय वो जो ऊर्जा है वो सबसे उच्चतम स्तर पर होती है। तो जब हम उस समय अपने स्वास्थ्य के लिए, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए योग का अभ्यास करते हैं और शरीर को हिलाते डुलाते हैं आगे पीछे, तो उसका प्रभाव सीधे तौर पर शरीर पर अनुकूल पड़ने लगता है। और यदि कोई भी विकार हो और उस बीमारी को दूर करने के लिए आप योगाभ्यास करते हो, तो आप थोड़ा जल्दी उठकर, रात को जल्दी सोकर सुबह जल्दी उठकर उन अभ्यासों को करना तो शुरू कीजिए, और फिर देखिएगा उन अभ्यासों का प्रभाव हमारे शरीर पर बहुत ही गहरे रूप से पड़ने लगेगा, ज्यादा पड़ने लगेगा, फोकस ज्यादा हो जाएगा, उसका लाभ ज्यादा मिलने लगेगा, चूंकि हम प्रकृति से अलाइन होते जा रहे हैं। तो शरीर के स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए ब्रह्म मुहूर्त बहुत लाभकारी है। और यदि आप कुछ कर भी नहीं रहे हैं शरीर के लिए, तो भी वो लोग ज्यादा स्वस्थ रहते हैं जो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, सुबह जल्दी उठ जाते हैं, शरीर के स्तर पर दिन भर ऊर्जा उनकी ज्यादा रहती है, वो एनर्जेटिक रहते हैं, उनके अंदर आलस्य नहीं होता, चूंकि वो जल्दी उठ गए, चूंकि ऊर्जा से संपर्क साध लिया है। और जो देर से उठते हैं वो ऐसे ढीले पीले से रहते हैं, गिरे पड़े से रहते हैं, उनके चेहरे पर वो दमक, वो चमक, वो ऊर्जा, वो उत्साह, वो उमंग, वो उल्लास वो दिखता नहीं है, क्योंकि संबंध नहीं स्थापित हुआ है उस प्रकृति के साथ। तो कनेक्शन करना हो इस अपने शरीर का उस ब्रह्मांड से, तो ब्रह्म मुहूर्त का समय ही है कनेक्ट कर देने का। और यदि हम इसको सोकर बिता देते हैं तो हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे, कर तो पा रहे हैं, प्रकृति कनेक्ट तो कर लेगी चूंकि हम सोए हुए हैं, लेकिन बहुत ही कम स्तर पर, स्केल बहुत कम होगा। तो इस तरह से हम अपने शरीर के स्वास्थ्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर और बेहतर कर सकते हैं। यदि हम मन के स्वास्थ्य की बात देखें, तो उन लोगों का मन बहुत ज्यादा शांत होता है जो सुबह जल्दी उठते, क्योंकि वो क्रिएटिव होते हैं, वो इनोवेटिव होते हैं, वो बहुत कुछ नया सोच लेते हैं, क्योंकि नया इसलिए सोच पाते हैं क्योंकि प्रकृति सहायक हो रही है नए विचारों के लिए, नए सृजन के लिए। सुबह के समय प्रकृति सृजन में आ जाती है, इसलिए फूल अब सूरज की पहली किरण फूटी नहीं कि एकदम कली खिलने के लिए आतुर हो गई है, सृजन का समय है सुबह। तो नए थॉट, नया क्रिएटिव आइडियाज, कुछ नया करना हो जीवन में, मन को नयापन देना, पुराने विचारों से अपने आप को हटा देना हो, तो सुबह का समय सबसे महत्वपूर्ण काल होता है। उस समय अपने मन को शांत करें, ठहरे, और कोई मॉर्निंग थॉट आए, सुबह का कोई विचार आपके अंदर आए तो उसको लिख ले। वो बहुत ही ऊंचा विचार होगा, उम्दा विचार होगा, क्योंकि वो छटनी होकर विचार आया होगा। प्रकृति में जो डिस्टर्बेंस दिन भर रहती है और वहां पर वातावरण का जो हलचल है, अब वो हलचल आपके मन के ऊपर प्रभाव नहीं डाल रही है, अब शांत है, प्रकृति शांत है, अब जो उठेगा वो बेस्ट उठेगा। तो ब्रह्म मुहूर्त में
यदि हम उठते हैं तो हमारा मन शांत होता है, चिड़चिड़ापन कम होता है, उद्विग्नता कम होगी, क्रोध कम होगा, झल्लाहट कम होगी। और सुबह के समय यदि आप स्टडी करते, ब्रह्म मुहूर्त का समय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण काल है, जो याद किया है उसको रजिस्टर्ड कर देने के लिए। इसलिए भारतीय परंपरा में सुबह के समय गुरुकुल में छात्रों को उठाकर उनको वेद पाठ, जो कठिनतम शब्द हो सकते हैं, उपनिषद जो कठिनतम शब्द हो सकते हैं, उनको याद कराया जाता था। और वो एक बार याद हो गए तो जीवन भर वो उनके दिनचर्या का हिस्सा हो जाते थे। तो सुबह का समय याददाश्त को बेहतर करने के लिए होता है, उनकी मेमोरी बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि मन ठहरा हुआ है। जिनका मन विचलित होता है उनकी याददाश्त अच्छी नहीं होती, क्योंकि मन ही हिला रहा है तो मेमोरी कैसे शार्प हो पाएगी, स्मृति कैसे बेहतर हो पाएगी, क्योंकि हमारा मन ही हिल रहा है। तो सुबह का समय मन खुद ब खुद ठहर रहा है, ठहराने की जरूरत नहीं। आप उठ के तो देखो, आप बैठ जाओ प्रकृति के नीचे, आप कुछ ना करो, आप पाएंगे कुछ चल नहीं रहा है मन में, आपकी इच्छा नहीं हो रही कोई न्यूज सुनूं, कोई पेपर देखूं, कुछ करूं, करने की भी इच्छा नहीं होती, बस बैठ जाने की इच्छा होती है, क्योंकि अंदर के जो प्राणा है, जो अंदर की जो ऊर्जाएं हैं, वो ऊर्ध गति करनी शुरू हो गई। आपको कुछ नहीं करना, एनर्जी अपने आप अपलिफ्ट हो रही, वो आपको अपने आप एकाग्र और फोकस करती जा रही। केवल आपको उठकर अपनी रीढ़ को सीधा कर लेना काफी, इतना ही काफी है, तो हमारा मन शांत होने लगता है। बुद्धि के स्तर से देखें तो बौद्धिक विकास के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण काल होता है। बुद्धि इस समय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, और उस समय यदि सुबह के समय गायत्री मंत्र का जाप किया जाए, गायत्री मंत्र होता ही बुद्धि के लिए है, स्मृति के लिए है, धीमहि की उपासना है वहां पर, सद्बुद्धि की उपासना है वहां पर, सत जो है वो अपने बुद्धि में उतर जाए, तो बौद्धिक विकास के लिए। इसलिए जो भी बुद्धिमान लोग होते हैं, जो भी अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण लोग होते हैं, वो सब प्रातःकाल उठ जाया करते हैं। और यदि भावनाओं के दृष्टिकोण से देखें तो सुबह का समय भाव शुद्धि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ब्रह्म मुहूर्त में हमारे भाव शुद्ध होने लगते हैं, हमारे अंदर अच्छा विचार आने लगता है, शुभ विचार आने लगता है, हिंसा के विचार नहीं आते, किसी को क्रोध, किसी को परेशान करने के विचार नहीं आते, कुछ अपशब्द कहने के विचार नहीं आते, किसी को नीचा दिखाने के भाव नहीं उठते, कोई झूठ बोलने का भाव नहीं उठेगा उस समय। इसलिए कहा है, भोर भई पर चोर छिपे। जब प्रातःकाल होने लगती है तो चोर भी छिप जाता है, क्योंकि उसके अंदर भी वो ब्रह्म मुहूर्त का प्रभाव आने लगता है, क्योंकि अंदर से वो असर आ रहा है। तो भाव शुद्धि के लिए एक होता है शरीर शुद्धि, एक है विचार शुद्धि, एक है भाव शुद्धि। तीनों शुद्धियों के लिए ब्रह्म मुहूर्त बड़ा महत्वपूर्ण है। और चौथा यदि हम महत्वपूर्ण देखें तो आध्यात्मिक विकास के लिए ब्रह्म मुहूर्त से बेहतर समय कोई है नहीं। दिन में तो आप ध्यान लगाकर कोशिश करके कुछ समय के लिए ध्यान लगा पाएंगे, लेकिन इस समय तो ध्यान आराम से लग जाएगा। कुंडलिनी शक्ति को जगाने में ये काल सबसे महत्वपूर्ण काल है, चक्रों को जगाने में, सुषुम्ना नाड़ी को शुद्ध करने में, सुषुम्ना में पड़े हुए मलों को हटाने में, चित्त में पड़े हुए संस्कारों और स्वभाव और आदतों को झकझोरने में ये काल महत्वपूर्ण है। अपनी किसी पुरानी आदत से छुटकारा पाना हो तो ब्रह्म मुहूर्त के समय संकल्प कर लेना, क्योंकि इस समय लिए गए संकल्प सबसे ज्यादा प्रभावी होते हैं। क्योंकि जो हम संकल्प लेते हैं पूरी दृढ़ता के साथ में कि ये कार्य करके दम लूंगा, ये कार्य करना है, और वो संकल्प आप प्रकृति में छोड़ते और प्रकृति में कोई डिस्टर्बेंस नहीं, अब उस संकल्प को प्रकृति पूरा करने में लग जाती है। दिन में तो सब लोग कुछ ना कुछ नेगेटिव पॉजिटिव बहुत सारी थॉट चल रही है, तो प्रकृति में बहुत कुछ ट्रैफिक बढ़ जाता है, आपके संकल्पों का प्रभाव नहीं होता। लेकिन प्रातःकाल जो संकल्प आप छोड़ते हैं वो प्रकृति अब सहयोगी हो जाती है, पूरी कायनात आपके लिए लग जाती है किए गए संकल्प को पूरा करने के लिए। तो यदि आपने संकल्प किया सुबह के उठकर, जो भी संकल्प किया आप देखेंगे वो पूर्ण हो रहा है, धीरे धीरे उसकी तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि अब प्रकृति ने
हमारा साथ देना शुरू कर दिया है। तो ब्रह्म मुहूर्त में आध्यात्मिक उपलब्धि के लिए ये काल सबसे महत्वपूर्ण काल हो जाता है, क्योंकि शक्ति जागती है। इसलिए सारे जो साधक है, जो दीक्षित साधक है, जो दीक्षा प्राप्त साधक है, वो सुबह को उठकर ही साधन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, ध्यान करते हैं, प्रार्थना करते हैं, भजन पूजन करते हैं, जुड़ते हैं अपने साथ, क्योंकि इस समय वो जो शक्ति, कुंडलिनी शक्ति, हमारे शरीर की जो शक्ति है, वो उस परम शक्ति से, उस ब्रह्मांडीय कुंडलिनी से कनेक्ट होने लगती है। हमारी बुद्धि उस महत से कनेक्ट होने लगती है, हमारा मन उस जो कॉस्मिक माइंड है उससे कनेक्ट होने लगता है, हमारा पांच तत्व उन पांचों तत्व जो बाहर से है उनसे कनेक्ट होने लगते हैं। अर्थात ये शरीर उस समय पूरी तरह से जुड़ा हुआ होता है। उस समय यदि आपने बेहतर साधन कर लिया तो आप पाएंगे कि कुछ ही समय में, कुछ ही दिनों में, कुछ ही दिनों की साधना आपके अंदर एक रूपांतरण ले आएगी, एक ट्रांसफॉर्मेशन ले आएगी, आपको पूरी तरह से बदल देगी। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त को सबसे उपयोगी मुहूर्त कहा जाता है, क्योंकि ये ताज है, जैसे सिर पे ताज सबसे ऊपर रखा होता है, ऐसे ही 30 मुहूर्त में सबसे ऊपर ब्रह्म मुहूर्त होता है। कोशिश कीजिए रात को जल्दी सोए, 9 बजे सो जाएं और सुबह जल्दी उठने का अभ्यास करें, और फिर देखें उसमें साधन करें, ध्यान में उतरे और फिर देखें जीवन पर उसका प्रभाव, कुछ अनूठा होगा, कुछ अनोखा होगा, फिर आप जी रहे होंगे, स्वास्थ्य के साथ जी रहेंगे। हरिओम।